this video I am making Star Stage Croatia Bathroom. English subtitles are available in this video. Bathroom को शुरू करने से पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम चेन 30 लेंगे. हमने कोई भी मल्टीपल ऑफ 15 लेने हैं. अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 लीजिए, फिर 15 और ऐड कर लें. जैसे मैंने 30 लिए हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी चेन साइज ले सकते हैं, लेकिन वो 15 के मल्टीपल्स हों. 30 चेन्स जो हैं वो बेस कहलाएंगे और बेस के ऊपर हम अपना पैटर्न जो है वो स्टार्ट करेंगे, स्टार स्टिच का पैटर्न. थर्टी चेन्स के बाद जो है हमारा राउंड वन जो है वो स्टार्ट होता है. अब हमने चेन वन की जो स्पेस है उसमें अपनी जो हुक है वो डालनी है और उस पर हमने धागा लपेट के उसे निकाल लेना है, तो हमारे जो हुक है उस पर दो लूप्स बन जाएंगे. इस तरीके से हमने फोर और लूप्स जो हैं वो बनाए. सिक्स चेन बनने के बाद आपने अपने हुक पे धागा लपेटना है और अपनी जो हुक है उसे इन तमाम जो लूप्स हैं उनमें से निकालना है. और निकालने के बाद आपने चेन वन बनानी है. उसके बाद जो हमने चेन वन बनाई है तो उस स्पेस में हमने अपनी हुक डालनी है और उस पर थ्रेड लपेट के वहाँ से निकालना है. उसके बाद जो हमारा स्टार का जो लास्ट रूप था, सिक्स रूप था, उसके अंदर हमने अपनी हुक डालनी है और हुक पे थ्रेड लपेट के हमने उस लूप से बाहर निकालना है. तो हमारे जो हुक है उस पर 3 लूप्स बन गए. इस तरीके से हमने 6 और लूप बनाने हैं अपनी हुक पे. सिक्स लूप बनने के बाद हमने अपनी हुक को इन तमाम जो लूप्स हमने बनाए हैं उनमें से निकाल लेंगे और चेन वन कर देंगे. यही पैटर्न है और इसी पैटर्न को हम पूरी जो चेन है उस पर रिपीट करेंगे. एंड पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे जो है वो आखिरी जो चेन है उसमें करना है. इसके बाद हमने 2 चेन्स बनानी है और हमारा सेकेंड राउंड जो होता है वो शुरू होता है. इसके बाद हमने 2 हाफ डबल क्रोशेस करने हैं. जो चेन स्पेस हमारे पास आई है 6 लूप्स को एक साथ बंद करने के बाद, तो हमने उसमें 2 हाफ डबल क्रोशेस करने हैं और एंड तक करने हैं. Thank you.
टू जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमने राउंड जो नेक्स्ट राउंड है उसमें 3 चेन्स बनानी है। बाद हमने अपनी हुक को सेकंड चेन जो है उसमें लेके जाना है और थ्रेड लपेट के उस चेन से निकाल लेना है। इसी तरह हमने इसे 4 दफ़ा दोहराना है और जब हमारी हुक पे 6 लूप बन जाएंगे तो उसके बाद हमने अपने चूक के उस पर थ्रेड लपेटना है और उसे इन तमाम जो लूप्स हैं उससे निकाल लेना है और चेन 1 करनी है। उसी तरह जैसे हमने राउंड 1 में किया था वैसे हम रिपीट करेंगे। चेन 1 स्पेस में अपनी हुक लेके जाएंगे, थ्रेड लपेटेंगे और उसे चेन 1 स्पेस से बाहर निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लूप में हुक लेके जाएंगे और थ्रेड लपेट के निकालेंगे और इस तरीके से हम 3 बार रिपीट करेंगे। जब हमारी हुक पे 6 लूप्स आ जाएंगे तो हम अपनी हुक पे थ्रेड लपेटेंगे और इन तमाम लूप्स से निकाल लेंगे और चेन 1 करेंगे और इस तरीके से हम एंड तक रिपीट करेंगे। इस राउंड के आखिर में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे और 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे चेन 1 स्पेस में। इसके बाद हमें जितनी भी लेंथ का चाहिए हम उतनी लेंथ का बार बार राउंड 1 और 2 रिपीट करके